आगरा कैंट रेलवे स्टेशन झांसी साइड स्थित सोहल्ला रेलवे फाटक से टपरा गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर रेलवे बैरिकेडिंग लगा रही है। बैरिकेडिंग का विरोध शुरू हो गया है। बैरिकेडिंग लग जाने से टपरा जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। रेलवे के द्वारा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन झांसी साइड स्थित सोहल्ला रेलवे फाटक के पास टपरा रोड पर बैरिकेडिंग लगाने का काम शुरू किया जा रहा है। सोहल्ला रेलवे फाटक पर टपरा रोड बैरिकेडिंग लगाए जाने से लोगों को खासा परेशानी होगी। बैरिकेडिंग का विरोध शुरू हो गया है। दिक्कत जो आ रही है कि यहाँ से कम से कम 20,000 लोगों की रास्ता है और जो है बच्चे भी निकल के जाते हैं आगरा के लिए पढ़ने के लिए और सोहल्ला के लोग खेत के लिए भी जाते हैं निकल के और जो है ये रास्ता बंद हो जाएगी तो कहाँ के आएंगे ये लोग। कई गांव बंद हो रहे हैं इधर से रास्ता बोरौली जारुआ कटरा टपरा अजीजपुर बहुत लोग हैं इधर मतलब कम से कम कर रही है। अगर रेलवे की ज़मीन है हमें पता है रेलवे की ज़मीन है हम रेलवे से ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब आप हम वो गद्दू हमें तो एक 20 फुट का रास्ता पल्ली तरफ दे दो तो हम लोग निकलते रहेंगे रेलवे की बाउंड्री हो जाए। हमारी जी सर पूरे सोहल्ला की खेती है इधर और हम आज से नहीं ये रेलवे लाइन नहीं थी तब से रास्ता इधर पगडंडी थी अब इधर कम से कम 30,000 लोग निकलते हैं डिग्री कॉलेज भी। अगर ये रास्ता बंद कर दें तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर अपनी खेती के लिए कैसे अपने बच्चों को पालेंगे आप बताएं। हम कुछ नहीं कहते रेलवे से गुजारिश करते हैं ज़्यादा नहीं तो कुछ इतनी रास्ता निकल जाए जो मोटरसाइकिल वगैरह अपने मतलब वाहन थोड़े बहुत निकल जाए। ये हमारा खेत इधर फिर जाने की परेशानी होगी कैसे जाएंगे हम फिर कहाँ के जाओगे निकलेंगे पूरी सोलह की खेती इधर ही है सब खेत हमारे इधर ही हैं इधर निकले की रास्ता बंद हो जाए कैसे निकले कैसे जाएंगे। गेट में जो रास्ता रोके हैं बना रहे हैं बाउंड्री बना रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं हम रास्ता मिलने जी थोड़ी बहुत निकलने के लिए बाउंड्री बनाओ आपकी जगह कोई मतलब नहीं है पर रास्ता निकलने के लिए हमारे लिए कुछ तो इंतजाम होना चाहिए। जिस तरीके से टपरा रोड पर बैरिकेडिंग लगाने का काम शुरू किया गया है उससे बड़ी आबादी को आने जाने में खासा परेशानी का सामना करना पड़ेगा और रेलवे को विरोध का सामना करना पड़ेगा। सी न्यूज के लिए राकेश कनौजिया की रिपोर्ट।